मैं हाशिम नौमानी साहब के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं भाई हुसैन मुरादाबादी साहब से मुआइन और अपने कलाम से नवाजे हुसैन मुरादाबादी साहब। मोहतरम हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल मुशायरा अपने आखिरी लम्हात में है तो मैं भी इसमें अपनी हाजिरी दर्ज कराने के बाद आपसे रुख्सत लूंगा। चार मिसरे अल्लाह ताला ने जिन घरों में बेटी के तोहफे से नवाजा है उस मंजर को आप सामने रखते हुए चार दुआया मिसरे समाप्त फरमाएं। अर्ज किया है कि दीनों ईमान की तू इसको मोहब्बत देना, शादो आबाद रहे ऐसी तू किस्मत देना। दीनों ईमान की तू इसको मोहब्बत देना, शादो आबाद रहे ऐसी तू किस्मत देना। तूने बेटी से नवाजा ये करम है तेरा, फातिमा जैसी इलाही उसे सीरत देना, फातिमा जैसी इलाही उसे सीरत देना। और जो जो भी हमारे हिंदुस्तान में और खासतौर से इस यूपी में हो रहा है उसको सामने रखते हुए दो तीन मिसरे और समाप्त फरमा लेंगे। नहीं है फिक्र जो ये आसमान काला है, नहीं है फिक्र जो ये आसमान काला है, नहीं है फिक्र जो ये आसमान काला है, इसी अंधेरे के पर्दे में एक उजाला है, इसी अंधेरे के पर्दे में एक उजाला है। और बिलखुसूस शोरा हजरात की तवज्जो इस पर चाहूंगा। हमें गरीबी ने किस कश्मकश में डाला है, हमें गरीबी ने किस कश्मकश में डाला है, है कासा हाथ में लेकिन जुबां पे ताला है, है कासा हाथ में लेकिन जुबां पे ताला है। और ये शेर भी बतौर खास इशारा है, आप समझ लेंगे, किरदार खुद तलाश कीजिए। वो जिसको मुल्क का सब रहनुमा समझते हैं, वो जिसको मुल्क का सब रहनुमा समझते हैं, उसी ने मुल्क को टुकड़ों में तोड़ डाला है, उसी ने मुल्क को टुकड़ों में तोड़ डाला है। अमीर शहर की हमदर्दियों से लगता है, अमीर शहर की हमदर्दियों से लगता है, अमीर शहर की हमदर्दियों से लगता है, ये बस्तियों को खंडर में बदलने वाला।